हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जिला टोबा टेक सिंह के एक हिस्टोरिकल क्रिश्चियन विलेज चक 424 मुंटगमरी वाला में, और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी गांव का एपिफनी चर्च, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, चक 424 मुंटगमरी वाला अंग्रेज दौर में बनाया गया, जो कि हिस्ट्री के अतबार से 1890s के मिड में बनाया गया, जब अंग्रेज़ों ने चकूक की या क्रिश्चियन विलेजेस की बुनियाद रखी। तो वहाँ पे ना सिर्फ उन्होंने गांव बनाए बल्कि उसमें पैरिशेज, स्कूल्स और दीगर तिब्बी सहूलियात को भी मुमकिन किया कि लोग ज़िंदगी की बाकी सहूलियात भी हासिल कर सकें। जब चक 424 में ये चर्च या पैरिश की बुनियाद रखी गई तो यहाँ पे लोगों की तादाद इंतहाई कम थी, और कहा जाता है कि हिस्ट्री के अतबार से 1901 में चर्च की पुरानी बिल्डिंग को यहाँ पे बनाया गया। उस वक्त लोगों की आबादी कदरे कम थी और उसके साथ साथ लोग कम पढ़े लिखे भी थे। जैसे जैसे लोग तालीम में बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, तो बिल्डिंग बड़ी बनानी पड़ी। जो इस चर्च की मौजूदा बिल्डिंग है इंतहाई खूबसूरत है, और अगर आप इसके फसाद को देखें तो इसका फसाद इंतहाई खूबसूरत है, दिलकश होने के साथ साथ बहुत ही अहम थियोलॉजिकल एलिमेंट से भरपूर है। अगर आप इसकी आर्चेस देखें तो ये आर्चेस न्यू गोथिक तर्ज से ली गई, जो कि पॉइंटेड आर्चेस हैं, और पॉइंटेड आर्च के बारे में कहा जाता है कि वो नीचे बेस लाइन से दो पॉइंट्स में शुरू होती है और ऊपर जाकर एक सिंगल पॉइंट पर मिलती है, जो कि एक दुआया फॉर्म को भी जाहिर करती है। इसके साथ साथ अगर आप इसके फ्रंट डोर पे देखें तो एक बहुत बड़ी पॉइंटेड आर्च बनाई गई है, जो कि नार्थिक्स के एन ऊपर है, और नार्थिक्स के ऊपर देखें तो मज़ीद थियोलॉजिकल आर्चेस हैं, जिसमें तीन आर्चेस भी हैं जो कि ट्रिनिटी का निशान भी है। उसके साथ साथ दीगर सात और आर्चेस बनाई गई हैं जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, जो कि बिब्लिकल थियोलॉजी में कम्प्लीशन का अदद है। इसके ऊपर अगर आप इसके सेंटर में देखें तो 12 पेटल रोज विंडो भी आपको दिखाई देगी। 12 का डिजिट क्रिश्चियन थियोलॉजी में, अगर आप इसके न्यू टेस्टमेंट में देखें तो ये जीसस क्राइस्ट के उन 12 डिसाइपल्स को, उनकी असेंबली को जाहिर करता है, जो कि उनकी तालीमात को फैलाने वाले अव्वलीन लोगों में से थे। उसके अलावा ये फ्रंटल टावर, इसका बेल टावर भी है। चर्च के शुरू होने से पहले इस बेल को बजाया जाता है ताकि सब लोग इस बेल की आवाज़ को सुनकर चर्च में इबादत के लिए आए। इस फ्रंटल डोर के अलावा इस चर्च के आर्म्स में भी इसके एंट्रेंस डोर्स हैं। क्योंकि ये चर्च ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाया गया, अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये चर्च क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देगा। जब सूरज चढ़ता है तो इसकी ऑल्टो को रिप्रेजेंट करता है, जब सूरज मगरिब की तरफ आता है या गुरूब होता है तो इसका एंट्रेंस डोर इसके ऊपर इसके नार्थिक्स पे लगाई गई खूबसूरत टावर को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक एम्प्टी क्रॉस है। अगर आप फ्रंटल टावर को देखें, इसके इर्द गिर्द दो और एंट्रेंस डोर भी लगाए गए हैं। और अगर आप फाइनली इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया। रेड ब्रिक के अलावा इसमें सीमेंट और स्टील का भी इस्तेमाल किया गया। एक ख़ास बात यह है कि इस चर्च को बनाने के लिए यहाँ की लोकल कॉन्ग्रीगेशन ने अपने हदियात दिए ताकि वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। मेरा नाम सैमुअल रियाज है और मेरा तल्लक चक नंबर 424 जिम्बे मंड घुमदीवाला से है, और मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में साले दोम का तालिब इल्म हूँ, और मैं यहाँ पर इसी गांव में रहता हूँ। मेरा तल्लक चक नंबर 424 से ही है, और जब मुझे छुट्टियाँ होती हैं तो मैं इसी चर्च में अपनी खिदमात एज ए यूथ में और क्वायर में और इस चर्च इंतज़ामिया में अपनी खिदमात सर अंजाम देता हूँ।
और मुस्तकबिल में मेरा यही मंसूबा है कि मैं एक पादरी और पासबान की हैसियत से इस कौम के लिए अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकूँ। My name is Seher Aruj and I belong to Fort Fort village and I'm doing a job in marketing department in UAE. Today I'm very thankful to the team of Discover Pakistan who gave us a chance to talk about our church and about our village also. And I just want to tell you about our church, that our church helped us a lot in our spiritual growth and also in our mental and physical growth. They gave us a chance to perform on different platforms and gave us a chance to talk about our church on a different platforms with such confidence. And when it comes to our Sunday school segment, it is one of the best segment in the whole diocese, and we perform such programs in different platforms. And when it comes to our youth, it is quite enthusiastic people here who work for their village and for their church also. And I'm very thankful to you that you're here to talk about our church and our village. मेरा नाम सिद्रा शकील है और मेरा तल्लुक चक नंबर 424 मिन गोबरीवाला से है और मैं MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कर रही हूँ। और मेरा ये शौर और मेरा ये मकसद है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि अपने जो मेरा पाकिस्तान है, जो मेरा अपना पाकिस्तान है, उसके लिए भी कुछ करूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट कल को बनूँ तो मैं अपने क्रिश्चियंस के लिए प्राउड नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड बनूं। मेरा नाम पादरी विकास खालिद है और मैं एपी फर्नीचर चक नंबर 424 में तकरीबन 1.5 साल से पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। और ये चर्च एपी फैनी डायसिस ऑफ फैसलाबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। इस चर्च की बुनियाद 1890 की दहाई में रखी गई और 1900 के शुरू में एपिफेनी चर्च में जो पहली इबादत करवाई वो पादरी डॉक्टर हर्बर्ट ने थी। और इसी तरह क्योंकि आबादी के बढ़ जाने की वजह से जो पुरानी बिल्डिंग थी चर्च की वो काफ़ी उसकी हालत इस तौर से हो चुकी थी कि कलीसिया ने, पैरिश ने ये मुनासिब जाना कि उन्हीं बुनियादों पर एक नई चर्च की बिल्डिंग को तमीर किया जा सके। और जैसे कि आप सब ये देखते हैं कि ये एपिफेनी चर्च जो 2017 में तमीर हुआ दोबारा से, और इस चर्च में खुदा का शुक्र है कि तकरीबन 1000 से लेकर 1500 तक के करीब लोग इस चर्च में बैठते और इबादत करते हैं। हमारे इस गांव में नौजवान बेटे बेटियां एक अरसा इदराज से जिन्होंने मेडिकल के शोभा जात में इसी तरह तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और ये सब कुछ इस चर्च की बदौलत, इस गाँव की बदौलत ही लोगों को ये सारी बरकत मिली है। हमारी जो बड़े दिन और ईस्टर की इबादत होती हैं इनमें जो चर्च की जो सिक्योरिटी होती है, ख़ास तौर पर हमारे लोकली वसाइल हैं, लोकल ही जो है हमारे पैरिश के मेम्बरान जो है वो लोगों को और बेटे जो होते हैं वो ड्यूटीज़ देते हैं। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मुल्क पाकिस्तान में जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो हमारा साथ देती हैं। और बड़े दिन और ईस्टर पर जितनी भी इबादत होती हैं हम इन इबादत में खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे गिरदो नवा की चकूक और ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए इसकी बका और इसकी सालमियत के लिए जो हम खुदा के हुजूर दुआएं मांगते और यही अमन और मोहब्बत का हम पैगाम देते हैं। ख़ास तौर पर मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के उनकी सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे इस गांव में आए, उन्होंने इस गांव के मुतलक जितनी भी इसकी तारीखी बातें थीं, इसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड थी उन्होंने इसको इस तौर से जाना और पूरी दुनिया में इस बात को बताया कि हमारे जो मसीही हैं और वो मुल्क पाकिस्तान में एक मोहब्बत, एक अमन और एक भाईचारे का दर्श दे रहे हैं। आप देखें कि इसके चेंबर से 4 स्टेप ऊंचे हैं। कई चर्चेस में आपने देखा होगा कि ये ऑल्टर 3 स्टेप ऊंची होती है, लेकिन ये 4 स्टेप खास तौर पर थियोलॉजिकल परस्पेक्टिव में अनाजिले अरबा के उस खूबसूरत पैगाम को जाहिर करती है जो पैगाम नजात का पैगाम है।
अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च के सेंट्रल चेंबर में। मेरे पीछे आप इसका इंतहाई खूबसूरत वुडन डोर देख सकते हैं, और उसके अलावा जैसे ही इस चर्च में दाखिल होते हैं तो इसके इनसाइड अरेंजमेंट को बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया गया है। इसको डिफाइन करने के लिए सेंट्रल चेंबर में आप एक ब्लू कारपेट देख सकते हैं जो कि इसकी नेव के पाथ को डिफाइन करता है। उसके अलावा इसके बाकी दोनों जानेब आप रेड कारपेट देख सकते हैं। इसकी एक थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जो कि बाकी एंग्लिकन चर्चेज में भी बयान की गई है, जैसा कि ये एंग्लिकन लिटर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप इसके इनसाइड एम्बियंस में, इनसाइड सिटिंग में आप बेंचेस नहीं देख सकते, जबकि इसमें सिटिंग बहुत ही सादा है। और जैसा कि बाकी चर्चेज में आप आइल्स को देखते हैं, नेव को देखते हैं और बेंचेस को देखते हैं, इसका इंतज़ाम इंसराम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी नेव को तो एक कारपेट से डिफाइन किया गया है, लेकिन बाकी इसकी आइल्स को वैसे ही ओपन छोड़ा गया है, जबकि इसकी आइल्स में एंट्रेंसेस डोर भी हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसका फ्रंट डोर बिल्कुल इस चर्च के सामने इसकी वेस्ट की जाने बनाया गया है, और एंट्री के साथ ही इसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें बहुत ही खूबसूरत और नायाब बैप्टिज्मल फॉर्म रखा गया है जो इस चर्च में नए आने वाले बच्चों को मखसूसियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका इंतज़ाम इस पैरिश की बुनियाद रखने से ही, तब से ही इतना हिस्टोरिकल इसका बैप्टिज्मल फाउंट रखा गया है। उसके अलावा इसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत स्टेयरकेस बनाया गया है जो कि इस चर्च की गैलरी को लीड करता है। इस स्टेयरकेस की एंट्रेंस ना सिर्फ चर्च के अंदर से है बल्कि इसके बाहर से भी इसको एक खूबसूरत दरवाज़ा दिया गया है, जो कि जब इस चर्च में इबादत के लिए लोग इस सेंट्रल चेंबर में बैठने की गुंजाइश नहीं रहती तो लोग गैलरी में जाके बैठकर इबादत करते हैं, और गैलरी की सीटिंग भी बहुत ही खूबसूरत और वसी है। उसके अलावा अगर आप देखें इसका इनसाइड कंस्ट्रक्शन व्यू इंतहाई सादा है, और दोनों जानेब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको इसकी लोअर बॉटम पे आपको दो दो पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी जो कि नियोगोथिक तर्ज तामीर का एलिमेंट है। अगर इन दोनों पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर देखें तो आपको मज़ीद तीन पॉइंटेड आर्चेस एक रो में मिलेंगे, एक क्लस्टर में मिलेंगे। उसके अलावा आप देखें इसकी दोनों जानब लोड बेरिंग कॉलम्स भी बनाए गए हैं जो कि सेंट्रल चेंबर में दोनों साइड्स पे तीन तीन लोड बेरिंग कॉलम्स हैं जो कि ऊपर छत तक इन क्यूबिकल्स को लीड करती हैं। चूंकि ये चर्च एक विलेज सेटलमेंट पे है, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे कारपेट पर बैठकर इबादत करते हैं। उसके अलावा इसकी आइल्स की दोनों जानेब आप बेंचेस भी देख सकते हैं जो कि मॉडर्न बेंचेस हैं, जो इस चर्च के बुज़ुर्ग हैं, इसकी काउंसिल का हिस्सा है। ना सिर्फ इसके मेन सिटिंग चैम्बर पर बल्कि इसके दोनों आर्म्स में भी ये ख़ास बेंचेस रखे गए हैं जो कि यहाँ के ख़ास बुज़ुर्ग और एल्डर्स इन बेंचेस पर बैठकर अपनी इबादत करते हैं। अगर इस पूरे चर्च की सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस पूरे चैम्बर में 1500 से लेकर 2000 के करीब लोग बैठकर इबादत करते हैं, और यही काफ़ी नहीं बल्कि जब यहाँ पे क्रिसमस या ईस्टर या दीगर तकरीबात होती हैं तो चर्च इतने लोगों के बैठने के लिए भी नाकाफ़ी हो जाता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ एपिफनी चर्च 424 की क्रॉसिंग में। चूंकि ये चर्च क्रॉसिंग फॉर्म पर बनाया गया, और क्रॉसिंग चर्च का वो हिस्सा होता है जो कि इसका सेंट्रल चेंबर होता है, वहाँ पे खड़े होकर आप पूरे चर्च को देख सकते हैं। जैसा कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल सामने इस चर्च का एंट्रेंस डोर है जो वेस्ट की जानिब है, और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये ईस्टर्न साइड पर इसकी ऑल्टर है, जैसा कि ज़्यादातर चर्चेस को ईस्ट टू वेस्ट के ओरिएंटेशन में बनाया जाता है। अगर आप इसके नॉर्दर्न आर्म में देखें तो यहाँ पे यहाँ के बुज़ुर्ग लोग बैठते हैं, और जबकि अगर इसके आप वेस्टर्न आर्म की तरफ देखें तो यहाँ पे क्वायर बैठकर हमद व सना के गीत गाते हैं। और अगर आप इसको लिटर्जिकल अरेंजमेंट को देखें, चूँकि ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है, अपनी इबादत की तरतीब चलाता है, तो इसके दाहिनी तरफ
आप बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल पुलपिट देख सकते हैं। ये पुलपिट एलिवेटेड है और इसके ऊपर दीगर जो थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसके ऊपर बने हैं, जो कि पॉइंटेड आर्चेस होने के साथ साथ इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और नायाब लकड़ी की कंदाकारी की गई है। उसके अलावा इसके ऊपर आप बहुत ही खूबसूरत फोर पेटल लीव्स भी देख सकते हैं, जो कि एक चर्च का खूबसूरत और थियोलॉजिकल एलिमेंट है। इसकी क्रॉसिंग के बिल्कुल सेंटर में आप देखें इसके ऊपर स्क्वेयर डॉम है। ज़्यादातर चर्चेज में आपने देखा होगा कि ऑल्टर के ऊपर राउंड डॉम बनाए जाते थे, और अगर आप देखें मेरे पीछे इसकी बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है, ये भी लकड़ी की बनाई है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस दीदाजेब चर्च की ऑल्टर सेंचुरी में। आप मेरे पीछे वाजे तौर पर इंतहाई दिलकश लकड़ी का काम देख सकते हैं। अगर वाइडर व्यू से देखें तो मेरी दाहिनी तरफ इसकी वुडन रेलिंग है जिसमें 7 पॉइंटेड आर्चेस हैं। 7 का अदद क्रिश्चियन थियोलॉजी में कंप्लीशन का अदद है, और इसका चर्च से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल इसी तरह मेरी दूसरी जानब भी 7 पॉइंटेड आर्चेस के साथ ये रेलिंग बनाई गई है। इस रेलिंग का ताल्लुक जो है वो होली कम्युनियन से है, और इस सेंचुरी की डिवीजन से है, जो कि चेंबर को इस खास पाक तरीन मकाम से जुदा करता है। आप देखें कि इसके चेंबर से 4 स्टेप ऊंचे हैं। कई चर्चेज में आपने देखा होगा कि ये ऑल्टर 3 स्टेप ऊंची होती है, लेकिन ये 4 स्टेप खास तौर पर थियोलॉजिकल परस्पेक्टिव में अनाजिले अरबा के उस खूबसूरत पैगाम को जाहिर करती है, जो पैगाम नजात का पैगाम है। और इसकी राइट साइड पे अगर आप गौर से देखें तो आपको एक कमरा दिखाई देगा, और इस कमरे को अगर आप देखें तो ये ख़ास कमरा है जो कि इस चर्च के थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसकी उसी साइड पे आप चेयर का अरेंजमेंट भी देख सकते हैं। उसमें चेयर्स रखी गई हैं जहाँ पे जब इस चर्च के बिशप यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं वो भी यहाँ पे बैठते हैं। उसके साथ साथ इस चर्च के विकर भी इन्हीं चेयर्स पे बैठते हैं, जबकि दीगर जो चेयर्स इसमें रखी गई हैं वो उन मुआवन लोगों की हैं जिनका ताल्लुक इस चर्च से है। उसके अलावा आप इसकी वेस्टर्न साइड पे देखें तो इस चर्च की वेस्टी भी है। वेस्टी का ताल्लुक ऑल्टर से बहुत गहरा होता है, क्योंकि प्रीस्ट जो कि किसी भी चर्च का इंचार्ज होता है वो एक ख़ास लिबास जेबतन करता है, जो कि वेस्टमेंट भी कहलाते हैं। और वो वेस्टमेंट वो ख़ास थियोलॉजिकल वेस्टमेंट हैं जो कि लिटर्जिकल कलर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इबादत के इंसराम को चलाने के लिए प्रीस्ट जमात के सामने खड़े होकर उस इंतज़ाम को चलाते हैं। उसके अलावा आप देखिए मेरे पीछे इस चर्च का पाक तरीन मकाम है। पाक तरीन मकाम वो जगह होती है जहाँ पे खुदा के हुजूर मुनाजात और ऑफरिंग्स लेके जाया जाता है। एक चीज़, एक ख़ास चीज़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एम्प्टी क्रॉस है। रोमन कैथोलिक चर्चेज में आपने ऑल्टर में देखा होगा कि क्रूसीफिक्स का मंजर वहाँ पे बनाया जाता है, दिखाया जाता है, जो कि उस क्रूसीफिक्स के ख़ास उस एक पैगाम को कॉन्ग्रीगेशन तक पहुँचाना चाहते होते हैं। लेकिन मेरे पीछे आप खाली क्रॉस देख सकते हैं। ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट चर्चेज में खाली क्रॉस इरेक्ट की जाती है, जो कि जीसस क्राइस्ट की उस रेजरेक्शन के पैगाम को लेकर जाते हैं। इसके अलावा इन फ्रंटल कर्टन्स के अलावा आप मेरे पीछे भी 4 आर्चेस को देख सकते हैं। उन 4 आर्चेस को कवर किया गया है इन कर्टन से, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत नमूना है हैकले सुलेमानी का। और इस खूबसूरत चर्च की ये ऑल्टर ना सिर्फ एक सादा ऑल्टर है, बल्कि अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल पिलग्रिमेजेस को, उन रिचुअल्स को भी जाहिर करती है, जो कि किसी भी एक मुकम्मल क्रिश्चियन चर्च की तायद करती है, जो कि अपने इंतज़ाम को, अपने डिसिप्लिन को अपनी इबादत के मुताबिक चलाने का एक खूबसूरत पैगाम भी है। व्यूअर्स, एपिफनी चर्च चक 424 मुंटगमरी वाला में हमारे साथ मौजूद हैं बशीर सेठ साहब, जो इस पैरिश के साबिका खजानची भी हैं। इसके साथ साथ उनका ताल्लुक यहाँ के जिम्मेदार घराने से है और वो यहाँ के हिस्टोरियन भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस गांव की कहानी क्या है। साडा पिंड जी 1886
16 एक्ट दफा 8 के तहत आबादकारी हुई। उस तो बाद 1896 के काफ़ी लोग इंडिया तो आए, उस 100 मरबा जमीन तकसीम की गई, 150 मरबे का पिंड है, तो 6 साडे मोगे ने, तो साडा पहलों झंग जिला सी 10 साल, फिर फैसलाबाद लालपुर जिला बनिया, हूँ अजकल साडा जिला तोबा टेक सिंह है। साडे पिंड दे विच बहुत सारे लोग जिहड़े पढ़े लिखे ने, ज़्यादातर वो इंग्लैंड दे विच, अमेरिका दे विच, आस्ट्रेलिया दे विच, फिर कैनेडा दे विच सब बच्चे काम करते हैं, उत्थे शिफ्ट हो गए ने, ज़्यादातर लोग जिहड़े ने उत्थे ही शिफ्ट हो गए ने। उस तो बाद ये पिंड जिहड़ा आया, इत्थे साडे मुस्लिम भाई भी रहिंदे ने, असीं उह वी उहनां दे नाल वी रहिंदे ने, उह साडे शादियां विआहां ते आउंदे ने, असीं वी उहनां दे नाल जांदे आ। तो पिंड दे विच एक बहुत बड़ा पिंड है, जमींदार फैमिली है। सेठ साहब, हमने ये भी सुना है कि इस चर्च की और इस इलाके की तारीख बहुत पुरानी है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये पिंड जिहड़ा पहले साडे इधर मरबिया के नाल दरिया चना गुजरता सी, फिर ये सांदलबार एरिया बन गया समुद्री तो लैके झंग तक। ये हिस्टरी ये भी इतने साडे बुजुर्ग दसते हैं भी ये राजा रसालू जिहड़ा 20 चक दे विच रहिंदा सी, उहदी छोटी बेगम जिहड़ी है वह साडे कब्रस्तान के नाल उहदा इत्थे महल हुंदा सी, राणी कोकला उहदा नाँ आ। सेठ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम मालूमात हमें फराहम की, थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम, इपिफनी चर्च चक 424 मुंटगमरी वाला पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात के हवाले से काफी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।